नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। फिल्म चूहिया को लेकर पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसको लेकर क्या कुछ है, हम जो फिल्म के डायरेक्टर हैं हैदर जी उनसे पहले जानते हैं और इनके जो हीरोइन हैं अनुपमा जी उनसे भी हम बात करेंगे। पहले तो आप बिफोर प्रिंट में आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आप चूहिया फिल्म का जो लेकर आए हैं, इस क्या ये नारी प्रधान फिल्म है। एक लड़की जिसका नाम चूहिया, उसके जीवन पे आधारित है कि वो पढ़ने जाती है तो पढ़ने के टाइम क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था को हमने दिखाया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या, इंटीरियर में गांव की तरफ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो कैसे लड़कियों को पढ़ाई से डर लगता है कि आगे लंबा पढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, उन सब मुश्किलों को उजागर किया गया उनके पॉइंट और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया, तो ये अच्छा है। ये मतलब आपने सोचा क्या, मतलब ये हिंदी में जो इस तरह की आपने काम किया जी, जो हिंदी मूवी के रूप में जो आपने लाया और पटना में लॉन्च किया, इसको लेकर पटना में इसलिए किया कि ताकि थोड़ा बिहार सरकार को भी पता चलना चाहिए कि हम नारी उत्थान के लिए बोलना, पेपर में छापना अलग बात है, हम तो उस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं, अपने सिनेमा के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं, है ना, तो वो मैसेज हम देते रहेंगे जिससे कि हमारी बिहार की जो बच्चियां हैं जो नारी हैं उनके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम की वजह से अवेयरनेस है कि एजुकेशन क्या है, आगे बढ़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ किताबों में लिखा रहे मतलब नहीं होता है, उसको हमको प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा, तो उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। इससे पहले अभी मैंने लास्ट ईयर बैंडिट शकुंतला डायरेक्ट की थी जो कि फेस्टिवल में जा रही है अभी अमेरिकन फिल्म मार्केट। इससे पहले मैंने जिहाद बनाई थी जो कांस में गई थी फेस्टिवल की, और उससे पहले मैंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी पथ अंडरवर्ल्ड पे, वो बहुत बड़ी हिट थी हमारी। फिर मैंने बॉबी एक फिल्म बनाई मोनालिसा को, पहला ब्रेक मैंने दिया था, और तो काफ़ी फिल्में हमने बनाई रेगुलर बनती, ये तो मेरी 12वीं फिल्म है जी, ये 12वीं फिल्म है। कुछ भोजपुरी फिल्म ब्लॉकबस्टर बनाई, कालिया रंगबाज सब मेरी हिट फिल्म थी जी, जी जी। तो आप चलते हैं जो इस फिल्म के हीरोइन हैं, आप पहले भी फिल्म में स्वागत है। थैंक यू। नाम क्या बताइए? मेरा नाम अनुपमा प्रकाश है। तो आपको चूहिया का जो रोल मिला गया है कैसा महसूस कर रही हूँ? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जब सर ने मुझे चूहिया नाम बताया था आई एम वेरी एक्साइटेड कि चूहिया, अच्छा सर ऐसा नाम, ओके ठीक है सर, बोले नहीं लड़की ऐसी है चुलबुली है और इस वजह से इसका करेक्टर ऐसा है, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत चुलबुली होती हैं, जैसे धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं, एज होती जाती है उतना ही वैसे मैच्योर होती चली जाती है। इससे पहले कोई आपने मूवी? हाँ, मैं तमिल मूवी कर चुकी हूँ, कन्नड़ कर चुकी हूँ और हिंदी भी कर चुकी हूँ जी। उसके बाद जो है जो कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह का रोल जो है, कहीं पे कुछ कोई ऐसा रोल जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी इस टाइम पे, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और चूहिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरी एक्टिंग को आगे दिखाएगा और लोगों को भी अप्रिशिएट करेगा कि आप आगे जाके पढ़ाई करो और लोगों को दिखाओ कि आप ये सब चीज़ें आगे कैसे लड़कियाँ फेस करती हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब आप हर चीज़ को फाइट करने की शक्ति इसमें दिखाई गई कि आपके सपोर्ट में भी कोई बड़ा इंसान होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए सपोर्ट, अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं या कुछ, अगर फैमिली सपोर्ट है तो देन यू कैन डू एवरीथिंग। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हाँ, मैं बिहार में पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आई फील लाइक, हाँ जी, जो यहाँ के लोगों से मिला था, हाँ मुझे बहुत अपना अपना सा फील है, फीलिंग्स बहुत अपनी अपनी से, वैसा नहीं लग रहा वो मैं नए शहर आई हूँ, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ सब अपने ही अपने लोग हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो आपने सुना है कि जो चूहिया फिल्म की जो अभिनेत्री हैं अनुपमा जी, जी अनुपमा प्रकाश जी वो बिहार रहे हैं और ये बहुत अच्छा उनको लग रहा है, फिल्म को लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं और कुछ दिनों ही के बाद ये इस फिल्म की शूटिंग शुरुआत होगी। चलते हैं आप दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।